नवयुवक अधिवक्ता समिति चुनार मिर्जापुर की ओर से बार भवन में आज शपथ ग्रहण का समारोह आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि सिविल जज जूनियर डिवीजन चुनार अभिनव जैन व विशिष्ट अतिथि एसडीएम चुनार सुरेंद्र बहादुर सिंह मौजूद रहे। मुख्य अतिथि ने नवयुवक अधिवक्ता समिति के नवनिर्वाचित सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। वहीं मंच से संबोधित करते हुए कहा कि नवनिर्वाचित सदस्य अपने कर्तव्यों का अच्छे से पालन करेंगे और बार बेंच में अच्छा संबंध बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे हर कार्यों तक न्याय पहुंच सके। इसमें हमारा सहयोग हमेशा मिलता रहेगा। प्रेस वार्ता में निवर्तमान अध्यक्ष शीतला सिंह ने कहा कि मैंने जो अपना मिशन चलाया है फौजदारी न्यायालय चुनार तहसील के वादकारियों के हित में स्थापित हो, उसकी लड़ाई हम हमेशा लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे और लेकर रहेंगे, और कहा कि फौजदारी न्यायालय की स्थापना तहसील चुनार में जल्द होगी। ईश्वर को साक्षी मानकर, ईश्वर को साक्षी मानकर सत्य निष्ठा की शपथ लेता हूँ, सत्य निष्ठा से शपथ लेता हूँ कि मैं भारतीय संविधान में निष्ठा रखते हुए विधि द्वारा स्थापित मूल्यों की जो नवनिर्वाचित पदाधिकारीगण हुए अपने कर्तव्य का अच्छे से पालन करेंगे और वो बार और बेंच में और अच्छा संबंध स्थापित करने की कोशिश करेंगे, जिससे न्याय हर एक वादकारी तक आसानी से पहुंच सके और इसमें हमारा सहयोग आपको हमेशा मिलता रहे। आज नवयुवक अधिवक्ता संघ का शपथ ग्रहण समारोह न्यायिक अधिकारी सिविल जज जूनियर डिवीजन चुनार के द्वारा समाप्त कराया गया और उन्होंने बार के हितार्थ काम करने के लिए वचन दिया, साथ ही अधिवक्ताओं से भी सहयोग मांगा। यहाँ बहुत दिनों से क्रिमिनल कोर्ट की मांग है, इस पर कमेटी क्या करेगी? हमारी कमेटी क्रिमिनल कोर्ट के लिए हमेशा तत्पर रहेगा और जब तक क्रिमिनल कोर्ट नहीं आएगा तब तक हमारे साथी अधिवक्ता कंधे से कंधे मिला करके चलते रहेंगे। नए अधिवक्ताओं के लिए क्या कहना चाहते हैं? नए अधिवक्ताओं के लिए जो भी हो सकेगा मैं उनके हितों के लिए कार्य करता रहूँगा। शपथ ग्रहण कार्यक्रम था, सभी अधिवक्ता वादकारी अधिकारी और मेरे मेहमान उपस्थित हुए, सब लोगों ने सहयोग किया और आज सफल शपथ ग्रहण समारोह हुआ। और मैंने जो अपना मिशन चलाया है कि फौजदारी न्यायालय चुनार के तहसील के वादकारियों के हित में यहां स्थापित हो, उसकी लड़ाई हम हमेशा लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे और लेकर रहेंगे। फौजदारी न्यायालय की स्थापना जल्दी होगी। सभी राजनीतिक दलों से, सभी अपने तहसील के सम्मानित नागरिकों से मैं आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि मेरे इस पूरे कार्य में अपना सब सहयोग दें।